अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद नदीम। आज हमने बात करनी है D1 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में, और आज जो हमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो D1 बुक के पेज नंबर 7 पे अवेलेबल है। प्रैक्टिस नंबर 2 के 2 क्वेश्चन हमने आज सीख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस नंबर 2 का, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है जी, पी एंड क्यू आर होल नंबर्स। हमने क्या करना है जी, पी और क्यू दो होल नंबर लेने, इस तरह से सच दैट, इस तरह के इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो नंबर आए वो 31 आए। 31 पहली बात उसने ये की कि आपने दो नंबर लेने, होल नंबर पी और क्यू, दोनों होल नंबर होने चाहिए, और इस तरह से लेने को उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 31 आए। और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, हमने पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, हमने दो होल नंबर लेने पी और क्यू, इस तरह से लेने कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन जो नंबर आया ना वो 31 आया। देखें यहाँ पे आप जो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये जो 31 है हमारे पास, 31 जो नंबर है ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। जैसे ही प्राइम नंबर की बात आई तो हमारे पास हमारे जहन में फौरन से प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज आ जाए कि प्राइम नंबर की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। प्राइम नंबर आपको पता है ऐसे हमारे पास नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अब ये हमारे पास 31 प्राइम नंबर है, तो ये किन दो नंबरों की प्रोडक्ट हो सकता है, एक तो 31 होगा इटसेल्फ क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और दूसरा इसका फैक्टर हो सकता है 1। इसके आंसर को देखिए, सिंस 31 इज अ प्राइम नंबर, अब यहां से हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से देखा कि ये जो 31 है ये प्राइम नंबर है, देन 1 एंड 31 आर इट्स ओनली टू फैक्टर्स। अगर ये प्राइम नंबर है तो 1 और 31 इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, पॉसिबल इसके दो ही फैक्टर होंगे। इट डज नॉट मैटर वेदर पी आर क्यू इज 1 आर 31। अब यहां पे ये जरूरी नहीं है कि आपने P को ही 1 कहना है, Q को 31 कहना है, या Q को ही 1 कहना है, P को 31 कहना है। जिसको मर्जी आप 1 कह सकते हैं, जिसको मर्जी आप चाहे तो P को 1 कह दें, Q को 31 कह दें, या Q को 1 कह दें, P को 31 कह दें। उसने ये बात की सेकंड लाइन में कि सिंस इट डज नॉट मैटर वेदर P आर Q इज 1 आर 31, सो P प्लस Q। अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने P की वैल्यू को 1 ले लिया और Q को 31 कह दिए। मैंने कहा था कोई भी वैल्यू किसी जिसको मर्जी दे सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P की मैंने 1 वैल्यू फिक्स की और Q की यहां पे 31, तो ये 1 प्लस 31 हमारे पास आंसर आ गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इफ n इज अ होल नंबर, उसने क्या कहा जी, n हमारे पास क्या है, होल नंबर है, सच दैट। आगे ये जो उसने एक एक्सप्रेशन बनाई है ना, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 28, इसके बारे में कह रहा है। पहले उसने बात की कि यहाँ पे ये जो n नंबर है ये एक होल नंबर है, इस तरह के इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 28 करें, इस आ प्राइम नंबर, मतलब हमने n की जगह पे ऐसा नंबर लेना है, n की जगह पे ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करना है, वो लेना तो होल नंबर है, लेकिन जब यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। अब कौन सा प्राइम नंबर होगा वो हमने फाइंड करना, फाइंड द प्राइम नंबर। अब यहाँ पे उसने देखिए जो चीज गिवन होती है ना मैडम, उसको हम सिंस में लेते हैं। यहाँ पे उसने खुद कहा कि n इज अ होल नंबर, हम कहेंगे सिंस n इज अ होल नंबर, देयरफॉर पुट n इज इक्वल टू, आपको पता है कि जो होल नंबर्स हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे n की जगह पे ना जीरो से, n की जगह पे जीरो से स्टार्ट करेंगे नंबर्स को पुट करना। तो यहाँ पे n की जगह पहले जीरो पुट करेंगे, जहाँ पे n है यहाँ पे पुट n है, ये देखिए यहाँ पे n है तो n की जगह पे पहले जीरो पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, ये जीरो पुट कर दिया, फिर दूसरे n की जगह पे जीरो पुट करेंगे, तो ये मैंने n की जगह पे जीरो पुट कर दिया। तो पहले आपको पता है जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास 28 प्लस 0 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये जो y वाला 0 इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, 28 प्लस 0 हमारे पास 28 ही आ गया। अब जब 28 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है उसने कहा था कि n की जगह पे ऐसा नंबर पुट करना है कि आपको जो नंबर मिले ना पुट करने के बाद वो प्राइम नंबर हो, लेकिन हमने 0 पुट करके देखा तो हमारे पास 0 आ गया, तो 0 तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके बाद नेक्स्ट कोई हम होल नंबर पुट करेंगे। तो अब क्या करते हैं, n की जगह पे 1 पुट करके चेक करते हैं कि n की जगह पे 1 को पुट करने से हमारे पास जो नंबर आता है वो क्या प्राइम नंबर है। तो जहां जहां पे n है यहाँ पे n, तो n की जगह पे मैंने 1 पुट किया, फिर ये n है हमारे पास, यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे, तो ये आ गया 1 प्लस 28। ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास नंबर है उनको पहले सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 28 प्लस 1 इज इक्वल टू 29, और ये बाय वाला 1 एज इट इज ले लिया। 29 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 29 ही आएगा, 29। तो ये देखिए 29 आपको पता है एक प्राइम नंबर है,
जे ये हमारा इंक्वायर्ड प्राइम नंबर है। अब देखिए n की जगह पे 1 के अलावा कोई भी नंबर पुट करें आप, होल नंबर कोई भी n की जगह पे पुट करें, 0 को पुट करें, 2 को, 3 को, तो हमारे पास जो नंबर आएगा ना आगे वो प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए हमारा इंक्वायर्ड नंबर यहां पे 1 को पुट करने से ही आएगा जो कि प्राइम नंबर हमारे पास आ गया। ये हमारा इंक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे हमने बात कर ली इंडेक्स नोटेशन किसको बोलते हैं। समटाइम इस तरह से होता है कि हमारे पास सेम नंबर रिपीटेशन में आ जाता है, बहुत दफा आ जाता है, काफी मरतबा आ जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है 5 5 5 5 5, सेम नंबर है कितनी ज्यादा दफा आ गया, मतलब बार बार आ जाए 5 5 5 5। अब ये देखें कितनी जगह को भी घेर रहा है, बार बार रिपीट भी हो रहा है, और इसको लिखने में हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स नोटेशन को यूज करते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी सेम नंबर है जैसे ये 5 है, वो जितने टाइम आ रहा है उसको क्या करेंगे, उस नंबर को पहले नीचे लिख देंगे और जितने टाइम वो आएगा उतनी उसकी पावर ले देंगे, उतना वो नंबर उसकी पावर में ले देंगे। तो ये देखिए हमने क्या कह दिया, ये क्या कह दिया कि हमारे पास एक सेम नंबर था, ये बार बार रिपीट हो रहा था, इसको मैंने ये इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया, मतलब किसी नंबर को पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना इंडेक्स फॉर्म होती है। आगे हमने बात कर ली है कि हमारे पास कोई भी नंबर है, देखिए अगर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, ये तो छोटे छोटे नंबर है, इनको तो देख के पता चल जाता है कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है। लेकिन अगर बड़ा सारा नंबर आ जाए तो हम कैसे बताएंगे जल्दी से, टाइम भी हमारे पास कम हो पेपर में और हमने बताना हो कि भाई ये जो है ना ये प्राइम नंबर है, तो फिर कैसे बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि 47 से, 47 हमने चेक करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, थोड़े से टाइम में चेक करना है। तो क्या करना है आपने, जो जिस भी नंबर को आपने चेक करना है तो वो 47 है, तो 47 का लेंगे स्केयर रूट, स्केयर रूट के बाद आपके पास ये आ गए 6.85, आगे कुछ नंबर्स होंगे। आपने क्या करना है पॉइंट के लेफ्ट साइड पे देखना है, ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है ना उससे संभालो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ 6, अब 6 से छोटे आपने देखने प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। अब 6 से लेस हमारे पास प्राइम नंबर है 2 है, 3 है और 5 है। अब ये जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा होगा उससे संभालो लेने, तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 ये 6 से लेस है, तो आपने क्या करना है पहले 2 से इसको चेक करना है, ये जो 47 है ये 2 के टेबल में आ जाता है, तो ये देखिए लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो ये 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में चेक करना है, ये 3 के टेबल में आ जाता है 47, तो 3 के टेबल से अगर चेक करना तो क्या करेंगे 4 + 7 = आएगा हमारे पास 11, तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। फिर 5 के टेबल में देखेंगे, 5 के टेबल में भी ये नहीं आएगा, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, फिर ये हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए। अब देखिए ये तो फिर भी 47 था, एक छोटा नंबर है, हम खुद से 2 से 3 से देख सकते हैं चेक करके। अब ये 997 आ गया, अब ये एक बड़ा नंबर आ गया, इसको कैसे बताएंगे जल्दी से कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। तो आपने क्या करना है, जो मैंने पहले मेथड बताया कि जो भी नंबर लिखा होगा आपने उसका स्केयर रूट ले लेना, स्केयर रूट लेने के बाद ही हमारे पास आ गए 31.57 आ गए, कुछ नंबर्स लिखे होंगे पॉइंट से डेसिमल पार्ट में, जो भी नंबर लिखे हैं उनसे हमें कोई गलत नहीं है। आपने क्या देखना है, ये जो इंटीग्रल पार्ट में नंबर लिखे हुए पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखे हुए, अब यहाँ पे 31 है, तो 31 से लेस आपने देखने जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 13 17 18 20 23 है, जितने भी नंबर्स हैं उनसे आपने क्या करना है इसको डिवाइड करके देखना है। अगर ये डिवाइड हो गया उनमें से किसी भी एक नंबर से तो ये कंपोजिट होगा, अगर डिवाइड ना हुआ तो ये प्राइम होगा। ऐसे ही हमारे पास 2013 है, अब ये देखिए कितना बड़ा नंबर आ गया, अगर हमें वैसे चेक करना हो तो हमें कितना सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हमें जल्दी से चेक करना है भाई ये कितना बड़ा नंबर आ गया और इसको हमें चेक करना है ये प्राइम है ये कंपोजिट है, तो आपने फिर क्या करना बेटा उसका स्केयर रूट ले लेना। स्केयर रूट जब लेंगे तो ये 44.86 को आगे कुछ नंबर्स होंगे, तो मैंने कहा कि आपने पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को देखना है ये जो लिखे होंगे, इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन तमाम से इसको डिवाइड करके देखना है, ये जो पहले नंबर लिखा होगा जिसको चेक करना है ये प्राइम है या कंपोजिट है उसको आपने डिवाइड करके देखना। तो अगर ये जो नंबर है ये 44 से जितने भी लेस हमारे पास स्मॉलर प्राइम नंबर है उनसे एक से भी डिवाइड हो गया तो ये कंपोजिट है, अगर डिवाइड ना हुआ तो प्राइम है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि हमने किस तरह से कोई भी हमारे पास नंबर लिखा हो बड़ा है या छोटा है उसको कैसे चेक कर रहे हैं कि ये प्राइम है ये कंपोजिट है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।